और मर्डर केस के जो कठुआ में हुआ है और एक ऊना केस हुआ है जो परसों शायद हुआ है यूपी बिहार में योगी सरकार के दौरान हुआ है, उसका शायद बाप भी मर गया है बेचारा मुझे लगता है उस लड़की का। हमने जो ये प्रोटेस्ट रखा है, ये जो प्रोटेस्ट है ये हिंदुओं की तरफ से भी है, मुसलमानों की तरफ से भी है, ईसाइयों की तरफ से भी है, हर कम्युनिटी की तरफ से है। इसको एक एंगल से ना देखा जाए, ये जो आसिफा ये सबकी बेटी है, कल अगर उसकी बेटी का हुआ कल हमारी बेटी का भी कुछ हो सकता है। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, चाहे इसमें कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी सांसददान हो, चाहे वो कठुआ का हो, चाहे वो जम्मू का हो, हमें उसके खिलाफ बोलना है और हम उसके खिलाफ बोलेंगे। क्योंकि इस मसले को कम्युनलाइज किया जा रहा है, इसको हिंदू मुसलमान का रंग दिया जा रहा है, जो हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जम्मू के रहने वाले हैं और पूरी उम्र जम्मू में रहे हैं और जम्मू में हमारा हक है रहने का। हम हिंदुओं के साथ भी रहे हैं, ईसाइयों के साथ भी रहे हैं, सिखों के साथ भी रहे हैं। इसको कम्युनलाइज नहीं किया जाए, हमें इंसाफ चाहिए आसिफा के लिए। हम अपील करते हैं जम्मू कश्मीर की सरकार से, खासकर महबूबा मुफ्ती से, जो खुद एक औरत है जिनकी खुद बेटियाँ हैं, उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि 4 मिनट डिले किया उन्होंने इसकी इंक्वायरी के लिए, क्योंकि रूलिंग पार्टी उनको प्रेशराइज कर रही थी। हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जो हमारा प्रोटेस्ट था वो इसी के मसले में था। अगर नहीं हमारा, हमें इंसाफ नहीं मिला, हम आगे भी ये जरूर जलसा जारी रखेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। और उसके यहाँ के जो MLA हैं, जो मिनिस्टर बोलते हैं CBI को इंक्वायरी करो, पहले तो उनकी स्कूटी हटाओ जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने दी है उनको। वेरी गुड, वेरी गुड। आज ये बोल, आज ये हमें पुलिस पे भरोसा नहीं है, तो इनके पीछे 4-4, 10-10 गाड़ियां पुलिस की होती है, वो जम्मू कश्मीर की पुलिस है, वही पुलिस क्राइम ब्रांच में भी है, CID में भी है, उसमें भी है। हमें पूरा भरोसा है जम्मू कश्मीर पुलिस पे कि इस केस की उन्होंने पूरी अच्छी ईमानदारी के साथ इंक्वायरी की है। हम हिंदुस्तान से भी अपील करते हैं, लोगों से, JNK गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं, इन जो जिन्होंने ये बलात्कार किया है उनको सख्त से सख्त फांसी की सजा दी जाए और स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए इसके लिए, ताकि हमारा जो भरोसा है वो गवर्नमेंट पे दोबारा से कायम हो सके, जुडिशरी पे हमारा भरोसा कायम हो।